आठ साल हो गए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तेलंगाना का जो सपना था, प्रगति का सपना, उस सपने का क्या हुआ? आज यहां पर किसानों की विधवा स्टेज पे हैं, रो रही हैं, ये किसकी जिम्मेदारी है? और ये अकेली नहीं है, ऐसी तेलंगाना में हजारों बहनें हैं जिनके पति ने आत्महत्या की, किसकी जिम्मेदारी है? तेलंगाना का किसान कह रहा है कि मिर्ची के लिए, धान के लिए हमें सही दाम चाहिए और हमारा कर्जा माफ होना चाहिए। जैसे ही कांग्रेस पार्टी की यहाँ सरकार बनेगी, वैसे 2 लाख रुपए का कर्जा माफ होगा और आपको सही MSP मिलनी शुरू हो जाएगी। 15,000 रुपए प्रति एकड़ डायरेक्ट बेनिफिट हम किसानों को देने जा रहे हैं। ज्यादा समय रुकने की जरूरत नहीं है, आप घबराइए मत, डरिए मत, ये काम कुछ ही महीने में कांग्रेस पार्टी करके आपको दे देगी। हमने वरंगल डिक्लेरेशन किया और उसमें हमने तेलंगाना के किसानों से वायदे किए। ये सिर्फ एक डिक्लेरेशन नहीं है, ये किसानों के लिए कांग्रेस पार्टी की गारंटी है। ये तेलंगाना के सपने को पूरे करने का पहला कदम है। किसानों की मदद, किसानों की रक्षा के बिना तेलंगाना का सपना पूरा नहीं हो सकता है।